गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. स्टैंडर्ड 2 फर्स्ट चैप्टर आज हम सीखेंगे. पेज नंबर 7 पर फर्स्ट चैप्टर का टाइटल है कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. इट इज अ यूजफुल एंड स्मार्ट मशीन. कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है. इट कैन स्टोर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर्स क्या करता है? हमारी जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, उन्हें स्टोर करता है. इट हेल्प्स अस टू कैरी आउट मैनी टास्क. कंप्यूटर क्या करता है? हमारे जो बहुत सारे टास्क होता है उसमें हमें हेल्प करता है. पेज नंबर 8 फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर्स के क्या क्या फंक्शंस हैं वो हम देखेंगे. अ कंप्यूटर इज यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स. कंप्यूटर्स में हम पेंट में क्या कर सकते हैं? उसमें हम पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं. अ कंप्यूटर इज यूज टू सॉल्व सम्स. कंप्यूटर्स में हम सम को सॉल्व कर सकते हैं. अ कंप्यूटर इज यूज टू टाइप लेटर्स एंड पोएम. कंप्यूटर्स में हम कीबोर्ड की मदद से लेटर्स टाइप्स कर सकते हैं और पोएम भी लिख सकते हैं. अ कंप्यूटर इज यूज टू लिसन टू म्यूजिक. कंप्यूटर हमें किस लिए काम आता है? हमें कोई सॉन्ग या गाने सुनने हो तो हम उसमें सुन सकते हैं. अ कंप्यूटर इज यूज टू प्ले गेम्स सच एज कार रेस. कंप्यूटर्स में हम गेम्स खेल सकते हैं जैसे कि रेसिंग. अ कंप्यूटर इज यूज टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस. कंप्यूटर्स में हम मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं. अ कंप्यूटर इज यूज इन बैंक्स रेस्टोरेंट्स एंड एयरपोर्ट्स. कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ यूज होता है? बैंक्स में यूज होता है, रेस्टोरेंट में यूज होता है और एयरपोर्ट पे यूज होता है. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर्स कम इन वेरियस साइजेस. कंप्यूटर्स के अलग अलग साइज होती हैं. दे कैन बी स्मॉल मीडियम और बिग इन साइज. कुछ कंप्यूटर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं. तो पहला देखते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर. अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज केप्ट ऑन अ डेस्क और टेबल. जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है वो टेबल पे रखा हुआ होता है. इट इज ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर और पीसी. डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है. द मेन पार्ट ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू. ये पहला वाला है, इसे मॉनिटर कहते हैं. ये कीबोर्ड है जिसमें बहुत सारी कीज होती है. ये माउस है और ये सीपीयू है. द मॉनिटर कीबोर्ड एंड माउस आर कनेक्टेड टू सीपीयू विद वायर्स. ये मॉनिटर है, माउस और कीबोर्ड जो है वो ये सारे सीपीयू के साथ कनेक्टेड होते हैं. ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज बल्की. डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होते हैं वो बहुत भारी होते हैं. इट इज डिफिकल्ट टू कैरी डेस्कटॉप कंप्यूटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं हम उसे एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते क्योंकि उसे उठाना बहुत मुश्किल है. दूसरा टाइप है लैपटॉप. अ लैपटॉप इज स्मॉलर देन डेस्कटॉप. लैपटॉप जो है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटा है. ये लैपटॉप है. As the name suggests, it can be kept on our lap. A laptop is portable.
लैपटॉप जो है वो पोर्टेबल होता है। इसका मतलब क्या है, हम लैपटॉप को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इट कैन बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अ डेस्कटॉप कंप्यूटर नीड्स अ पावर सोर्स टू वर्क। इसका मतलब क्या है, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं उससे हमें पावर सप्लाई की जरूरत होती है। और लैपटॉप्स में क्या होता है, लैपटॉप्स में बैटरी होती है जिसे हम थोड़ी देर चार्ज करके उसके बाद काफी समय तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा टाइप है टैबलेट। नाउज डे अ टैबलेट कंप्यूटर हैज बिकम वेरी पॉपुलर। टैबलेट जो है वो बहुत ही मशहूर है। इट इज स्मॉलर देन लैपटॉप। ये जो टैबलेट है वो लैपटॉप से भी छोटे हैं। इट इज अ कॉम्पैक्ट कंप्यूटर विथ अ टच स्क्रीन। टैबलेट में क्या होता है, हम टच स्क्रीन से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें टच स्क्रीन होती है। अ टैबलेट इज लाइट इन वेट। टैबलेट का जो वजन होता है वो कम होता है, इसलिए हम उसको आसानी से उठा सकते हैं। अ टैबलेट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल कैमरा इनसाइड इट। टैबलेट में छोटा सा कैमरा होता है। इट इज यूज्ड टू क्लिक पिक्चर्स। उससे हम हमारी पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं। स्मार्टफोन। स्मार्टफोन इज ऑल्सो अ कंप्यूटर। ये जो स्मार्टफोन है वो एक कंप्यूटर ही है। इट वर्क्स ऑन अ बैटरी। स्मार्टफोन में बैटरी दी गई हुई है। स्मार्टफोन इज ऑल्सो कॉल्ड अ मोबाइल फोन। स्मार्टफोन को हम मोबाइल फोन भी कहते हैं। अदर देन मेकिंग कॉल्स वी कैन ऑल्सो लिसन टू म्यूजिक, क्लिक पिक्चर्स, वॉच मूवीज एंड प्ले ऑन इट। हम मोबाइल्स में क्या कर सकते हैं, तो हम कॉल कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें गेम्स भी खेल सकते हैं। पेज नंबर 10 पर एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। कंप्यूटर क्या करता है, हमारा काम बहुत ही जल्दी कर देता है। इट कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस इन अ फ्यू सेकंड्स। वो कोई भी कैलकुलेशंस हो वो बहुत ही जल्दी कर देता है। अ कंप्यूटर इज वेरी एक्यूरेट। इट कैन परफॉर्म एरर फ्री कैलकुलेशंस। कंप्यूटर अपना काम बहुत ही एक्यूरेटली करता है जिसमें एरर नहीं होती है। अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। कंप्यूटर्स बहुत सारा डेटा स्टोर करता है, फॉर एग्जांपल इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, ऑडियो एक्सेट्रा। अ कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक मशीन। इट नेवर गेट्स टायर्ड। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है, वो कभी थकता नहीं है। अ कंप्यूटर इज ऑल्सो यूज इन स्कूल्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। कंप्यूटर स्कूल में भी यूज होता है, किसके लिए, टीचिंग और लर्निंग के लिए। इट हेल्प्स इन मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन सच एज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। कंप्यूटर में पावर पॉइंट होता है, उसमें हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। पहला डिसएडवांटेज क्या है, अ कंप्यूटर इज मेड ऑफ हैवी मेटल्स एंड केमिकल्स। कंप्यूटर हैवी मेटल और केमिकल से बना हुआ है। अगर कभी भी हमारा जो कंप्यूटर है वो खराब हो जाता है तो उसमें जो मेटल्स और केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वंस कंप्यूटर्स आर डिस्कार्डेड दिस मेटल्स एंड केमिकल्स कॉज वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। दूसरा डिसएडवांटेज है,
पीपल वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स ऑन कंप्यूटर्स सफर फ्रॉम हेडेक, आई स्ट्रेन एंड बैक पेन। काफी घंटों तक हम कंप्यूटर्स पर वर्क करते हैं तो हमें क्या होता है, हमें सिर दर्द होता है, आंखों पर तनाव आ जाता है और बैक पेन होता है। अ कंप्यूटर वायरस हार्म्स द सिस्टम सॉफ्टवेयर बाय डिस्ट्रॉइंग द डेटा। कंप्यूटर में जब वायरस आ जाता है तब क्या होता है, वो हमारी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है उसे डिस्ट्रॉय करता है, सारा जो डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन कंप्यूटर्स टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ वायरसेस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ये जो कंप्यूटर के वायरस होते हैं उसके रिस्क से हमें बचाता है। मतलब वो क्या करता है, अगर कोई वायरस आ जाता है तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की मदद से हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी हम उसे बचा सकते हैं। Nowadays computers are also used as source of crime। अभी कंप्यूटर क्या करता है, अभी वो क्राइम में भी यूज होता है। This is called cyber crime। इस क्राइम को क्या कहते हैं, साइबर क्राइम। सच टाइप ऑफ क्राइम आर यूज टू एक्सेस पर्सनल इंफॉर्मेशन और सीक्रेट रिलेटेड टू वर्क सच एज बिजनेस। बहुत सारे क्राइम होते हैं जो क्या करते हैं, वो हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है या हमारे जो सीक्रेट्स होते हैं बिजनेस रिलेटेड उसे ले लेता है, इसको क्या कहते हैं, साइबर क्राइम। इस चैप्टर की समरीज देख लेते हैं। कंप्यूटर इज अ यूजफुल एंड स्मार्ट मशीन। कंप्यूटर क्या है, एक स्मार्ट मशीन है जो हमें बहुत ही यूजफुल है। कंप्यूटर कैन डू मैनी थिंग्स फॉर अस। कंप्यूटर क्या करता है, वो हमारे लिए बहुत कुछ करता है। वी कैन टाइप लेटर्स, प्ले गेम्स एंड ड्रॉ पिक्चर्स ऑन अ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर पर क्या कर सकते हैं, वी कैन टाइप लेटर्स, प्ले गेम्स, हम गेम्स भी खेल सकते हैं और पिक्चर्स को ड्रॉ भी कर सकते हैं। कंप्यूटर्स कम इन डिफरेंट साइज। कंप्यूटर के अलग अलग साइज होते हैं। दे कैन बी डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो हमारी लैब में है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स, टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स। इस चैप्टर की एक्सरसाइज देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट वाला चूज करना है। अ कंप्यूटर इज यूज्ड टू ब्लैंक एंड पिक्चर्स। ऑप्शन ए ड्रॉ, ऑप्शन बी सॉल्व, ऑप्शन सी राइट, ऑप्शन डी टाइप। तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर ड्रॉ पिक्चर्स, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ड्रॉ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है। ऑप्शन ए डेस्कटॉप, ऑप्शन बी लैपटॉप, ऑप्शन सी स्मार्टफोन और ऑप्शन डी टैबलेट। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए डेस्कटॉप कंप्यूटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स कैन नॉट बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। ऑप्शन ए टैबलेट, ऑप्शन बी स्मार्टफोन, ऑप्शन सी डेस्कटॉप और ऑप्शन डी आईपैड। तो कौन सा आएगा, डेस्कटॉप। क्यों आएगा, क्योंकि डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होते हैं वो बहुत ही हैवी होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज मोबाइल फोन। इनमें से कौन सा है जो हम मोबाइल फोन भी उसे कह सकते हैं। ऑप्शन ए लैपटॉप, ऑप्शन बी टैबलेट, ऑप्शन सी आईपैड, ऑप्शन डी स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन को हम मोबाइल फोन भी कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि एडवांटेज नहीं है, यानी कि डिसएडवांटेज है। ऑप्शन ए ऑटोमेशन, ऑप्शन बी स्पीड, ऑप्शन सी साइबर क्राइम और ऑप्शन डी एक्यूरेसी। तो कौन सा वाला चूज करेंगे,
ऑप्शन सी साइबर क्राइम। फिल द ब्लैंक, यहाँ पर ब्लैंक्स को फिल करना है। यहाँ पर आंसर दिए गए हुए हैं, अ कंप्यूटर इज यूज टू ब्लैंक एंड ब्लैंक मैसेजेस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। ब्लैंक कंप्यूटर्स आर केप्ट ऑन डेस्क, कौन से कंप्यूटर्स हैं जो हम टेबल पर रख सकते हैं, तो वो है डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो हम यहाँ पर डेस्कटॉप लिखेंगे। ब्लैंक आर कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स विथ टच स्क्रीन, ऐसे कौन से कंप्यूटर्स हैं जिस पर टच स्क्रीन होती है, तो टैबलेट आएगा यहाँ पर। स्मार्टफोन वर्क्स ऑन ब्लैंक, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन कौन सा है, बैटरी। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर स्टेटमेंट, अ कंप्यूटर इज यूज टू सॉल्व सम, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हाँ ये ट्रू है, कंप्यूटर क्या करता है, सॉल्व सम्स, तो यहाँ पर ट्रू टी लिखाएंगे। अ कंप्यूटर कैन नॉट डू कैलकुलेशंस, क्या कंप्यूटर कैलकुलेशंस नहीं करता है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। अ लैपटॉप कंप्यूटर कैन रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, क्या लैपटॉप कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, तो यहाँ पर हम एफ लिखेंगे। लैपटॉप इज स्मॉलर देन अ टैबलेट, क्या लैपटॉप टैबलेट से छोटा है, तो नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अ टैबलेट कंसिस्ट अ स्मॉल कैमरा इनसाइड, टैबलेट में छोटा सा कैमरा होता है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, इसलिए हम यहाँ पे टी लिखेंगे। लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड राइट एनी टू फीचर्स ऑफ देम इन द स्पेस प्रोवाइड, ये जो जगह दिखाई गई है इसमें हम दो फीचर्स लिखेंगे। ये क्या है, ये एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है, तो हम उसके बारे में दो फीचर्स लिखेंगे। अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज केप्ट ऑन डेस्क और टेबल, डेस्कटॉप कंप्यूटर टेबल पर और डेस्क पर रख सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये क्या है, ये एक लैपटॉप है, और लैपटॉप इज स्मॉलर देन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, इट कैन बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटा है, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये एक टैबलेट है, अ टैबलेट कंप्यूटर हैज बिकम वेरी पॉपुलर, टैबलेट कंप्यूटर जो है वो बहुत ही पॉपुलर है। इट इज स्मॉलर देन अ लैपटॉप, टैबलेट जो है वो लैपटॉप से छोटा है। इट इज अ कॉम्पैक्ट कंप्यूटर विथ अ टच स्क्रीन, टैबलेट में टच स्क्रीन होती है। टिक द कंप्यूटर्स दैट कैन बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो ये कौन सा कंप्यूटर है, ये एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है जो हम एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते। ये स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन को हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर टिक मार्क करेंगे। वैसे ही ये लैपटॉप है, लैपटॉप को भी हम ले जा सकते हैं और टैबलेट को भी हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट आर द मेन पार्ट ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के मेन पार्ट्स क्या क्या है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं, तो ये है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू, तो ये चार ऑप्शंस हमें यहाँ पर लिखने हैं। लिस्ट एनी टू इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, दो जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस है कंप्यूटर के वो हमें यहाँ पर लिखने हैं, तो हम कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, सम्स को सॉल्व कर सकते हैं, लेटर्स को टाइप कर सकते हैं और पोयम भी लिख सकते हैं। नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर, डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर क्या क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर और स्मार्टफोन। लिस्ट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, कंप्यूटर हमारा काम बहुत ही फास्ट करता है। कंप्यूटर इज वेरी एक्यूरेट, कंप्यूटर एक्यूरेट क्यों है पता है,
वो एरर फ्री है। उसमें हम कोई भी कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं तो वो हमें कोई एरर नहीं देता है। व्हाट इज साइबर क्राइम? साइबर क्राइम क्या है? कंप्यूटर्स आर आल्सो यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ क्राइम इज कॉल्ड साइबर क्राइम। तो हमें यहाँ पर साइबर क्राइम की डेफिनेशंस लिखनी है जो हमें पहले पढ़ ली है। ओके, आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।